दीपावली पर आप सभी को धनिए का उपाय अपने घर में जरूर करना है धनिया धन खींचता है और रोग दोष कष्ट संकट धन की कमी को दूर करता है साथ ही पैसा गलत जगह पर खर्च नहीं होता जो भी व्यक्ति धनिया का घर पर यह उपाय करता है कई भक्तजन जानकार हैं समझते हैं करते हैं और साल भर सुख पाते हैं तो आप सभी को भी धन्य का उपाय छोड़ना नहीं है कब कैसे करें किस स्वरूप में अपने घर पर करें ध्यान से सुने अंत तक बने रहिए सबसे पहले मेरे सुन वाले जो मुझे समझते हैं मुझसे पर्सनल रूप से जुड़े हुए हैं बात करते हैं उन सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं माता रानी महादेव सभी देवी देवता आपके जीवन में समृद्धि भरे यही प्रार्थना करते हुए आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ साथ ही आप सभी भी अपनी बेस्ट विशेष कमेंट्स में मुझे जरूर से दीजिएगा और एक दूसरे को बधाई आप सभी को जरूर से देनी है यह दिन पर्व साल भर का हम सभी के लिए सबसे बड़ा पर्व है जैसे कि गुरुवार और शुक्रवार दो दिन दीवार मनाई जा रही है तो दोनों दिन आप सभी को यह उपाय करना है जो यह है, धनिया होता है वह बुद्ध ग्रह से भी संबंध रखता है तो बहुत शुभ फल प्रदान करता है माँ लक्ष्मी को धनिया काफी प्रिय है जो व्यक्ति कोई भी विशेष वस्तु नहीं खरीद पाता है उसे दीपावली में धनिया जरूर खरीदना चाहिए धनिया को बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है यह खाने का स्वाद तो बढ़ाता ही है साथ के साथ परिवार में लक्ष्मी पूजन में सबसे सहायक माना जाता है आपने देखा होगा जब कृष्ण जन्माष्टमी होती है तो श्री नारायण को हम सभी पंजरी के रूप में धनिये को पीसकर भोग स्वरूप समर्पित करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी और श्री नारायण बहुत प्रसन्न होती है कहा जाता है अगर धनिये को दान में दिया जाए तो भाग्य की रेखाएं प्रबल होती है तो आप सभी को दीपावली के दिन धनिया जरूर से खरीद लाना है अगर आप नहीं खरीद पाए हैं कोई भी वस्तु बस वस एक कटोरी धनिया खरीद लीजिए अब उपाय सुनिए कैसे करना है शाम के समय आप सभी को जहाँ पर भी आपका पूजा स्थल है वहाँ पर यह कार्य करना है अगर संभव हो तो आप सभी को जैसा कि गुरुजी ने कहा है वंश में वृद्धि होती है और शुभ काम घर में होते हैं तो आप सभी ने भी यह गुरुजी की बात सुनी होगी कि हमें धनिया जो है आवश्यक रूप से गुड़ रख कर गुड़ धनिया माता लक्ष्मी को भोग जरूर से लगाना है आप सभी ने यह बात सुनी है तो कमेंट्स में बताइएगा आप सभी को आवश्यक रूप से सबसे पहले तो गुड़ और धनिए का आवश्यक रूप से माँ लक्ष्मी को भोग लगाना है एक कटोरी में रखें या किसी भी वस्तु में परंतु गुड़ का भोग आप मिठाई इत्यादि का भोग नहीं लगाते कुछ भी विशेष नहीं करते तो गुड़ और धनिए का भोग आपको जरूर से लगाना है साथ के साथ पूरे दिन भर में आपको जो है जब भी आपको समय मिले गुरुवार और शुक्रवार दो दिन है आपके पास आप गौ माता को धनिया थोड़ा सा एक दो दाने ही खिला दीजिए परंतु जो रोटी रखते हैं उसमें एक दो दाने धनिया अपनी मनोकामना क्योंकि तैतीस कोटि देवी देवताओं का वास गौ माता में होता है आप जानते होंगे तो आप सभी को एक दो दाने धनिये के रोटी में रखकर गौ माता को अपनी मनोकामना कहकर मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए खिलाना जरूर से है ताकि आपके परिवार में पूरे साल भर बरकत बनी रहे अब आप सभी को अपने घर पर विधि विधान से पूजन करना है जो भी आप जैसा भी पूजन करते हैं जिस स्वरूप में पूजन करते हैं आप सभी को उस स्वरूप में पूजन करना है साथ के साथ दीपावली के दिन आपके प्रश्न आते हैं कि कितने दीपक लगाने चाहिए तो शास्त्र वर्णन करूँ तो शास्त्रों में कहा जाता है कि दीपावली जो मुख्य दीपावली होती है उस दिन हमें नौ या तेरह दीपकों का दान करना चाहिए हालांकि आप अनगिनत दीपक लगा सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है जितनी आपकी इच्छा है उतने दीपक लगाएं परंतु आपको दीपक जरूर से लगाने हैं क्योंकि कोई भी स्थान ऐसा नहीं होना चाहिए जहां पर अंधेरा हो इस बात का ध्यान रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान आप करें उसके पश्चात आपको अपने घर के मंदिर में आवश्यक रूप से यह कार्य करना है जब भी आप गुड़ और विशेष तौर पर धनीय का भोग माता लक्ष्मी को चौकी में विराजमान कर कर समर्पित करते हैं तो हमेशा उत्तर दिशा की ओर जैसे माता रानी का चौक है वहाँ पर आप सभी को उत्तर दिशा में माँ को जो है यह लक्ष्मी का केंद्र बिंदु

दूसरे दिन थोड़ा सा समर्पित कर देना चाहिए साथ ही आप सभी को उस धनिए को और अपने जो है कैसे प्रयोग में लेना है ध्यान से सुनिए लक्ष्मी पूजा की रात्रि में जब आप भोग लगा लेंगे संपूर्ण कार्य आपके हो जाए उसके बाद एक छोटा सा आपको लाल कपड़ा लेना है रुमाल के स्वरूप में लाल कपड़ा लीजिए उस कपड़े में एक मुट्ठी जितनी भी आपने धनिया समर्पित कर रखा है कटोरी में माँ को उसमें से कुछ दाने आपको उस लाल कपड़े में ओम महालक्ष्मी नमो नम या ओम महालक्ष्मी चविदमय ही विष्णुपत्नी च धीम ही तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात कहते हुए एक चुटकी धनिया जरूर से समर्पित करना चाहिए उसके बाद आप सभी को एक रुपये का सिक्का जो आपने माँ लक्ष्मी के पूजा स्थल पर कहीं भी रख रखा है उस स्थान पर आपको धनिया रखकर समर्पित कर कर उस लाल कपड़े में एक रुपये का सिक्का भी उठाकर रख लेना चाहिए साथ के साथ आप सभी को विशेष तौर पर जो आपने हल्दी की गांठ माँ लक्ष्मी को समर्पित कर रखी है उसमें से भी आप सभी को जो हल्दी की गांठ आपने माँ को समर्पित कर रखी है या आपने किसी भी स्वरूप में पाउडर स्वरूप में समर्पित कर रखी है उसमें से एक चुटकी आपको हल्दी उस लाल कपड़े में रख देनी चाहिए साथ के साथ आपने जो है माता को गणेश जी महाराज को दुर्वा समर्पित कर रखी है वह भी उस लाल कपड़े में एक चुटकी रख देनी चाहिए साथ के साथ आपने श्री गणेश जी महाराज माता लक्ष्मी को एक जो है जो भोग स्वरूप सुपारी समर्पित कर रखी है तो उस भोग स्वरूप सुपारी को भी आपको उठाकर उस लाल कपड़े में रख लेना चाहिए अगर आप सभी ने भी विशेष तौर पर जो आपने माँ लक्ष्मी को जो कौड़ी समर्पित कर रखी है कमलगट्टा समर्पित कर रखा है और साथ के साथ आप सभी ने माता लक्ष्मी को गोमती चक्र समर्पित कर रखा है उसमें से दो दो आप सभी को उठाकर उस लाल कपड़े में रख लेना चाहिए उस लाल कपड़े में आपको रोली चंदन मोली अक्षत समर्पित कर देना चाहिए और माँ से प्रार्थना करनी है अगर आपने पुष्प समर्पित कर रखा है तो वह भी आप सभी को उस पोटली में थोड़ा सा रख देना है अब आप सभी को उस पोटली को बांध देना है लाल कच्चे धागे से अर्थात जो सूत होता है ना जिसे हम वस्त्र रूप में समर्पित करते हैं उसमें जो है आप सभी को अच्छी तरह से उसे बांध देना है इस तरह से यह धन पोटली बन जाती है इसे जो है अपने आप में बहुत श्रेष्ठ माना जाता है आप सभी ने देखा होगा बहुत हजारों रुपए लाखों रुपए की धन पोटली बेची जाती है आप सभी को अपने घर पर धनीय का यह श्रेष्ठ उपाय जो आपने लक्ष्मी को समर्पित कर रखी है सभी चीजें धन पोटली स्वरूप में बनाकर आप चाहें तो एक 108 बार महालक्ष्मी के मंत्र ओम रिंग श्री इस मंत्र का जाप कर सकते हैं या आप जो है माता लक्ष्मी के कोई भी सरल से मंत्र हो महालक्ष्मी नमो नमः कहते हुए 108 बार कम ज़्यादा जितना भी आपसे संभव हो आप इसे अपने हाथ में लेकर या कमल गट्टे की माला लेकर माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए जाप करें फिर आप सभी को लेकर चले जाना है इसे अपने घर की तिजोरी में तिजोरी में जहाँ पर भी आप धन रखते हैं वहाँ पर एक चुटकी हल्दी समर्पित करें कुमकुम -कुम समर्पित करें चाहे तो स्वास्तिक बना लीजिए उसके बाद आप सभी को इस जो है पोटली को जिस में आपने सभी चीजें समर्पित कर रखी है आपको रख देना है ऐसी मान्यता है दीपावली की रात धनिए का यह कार्य जो कि धन पोटली स्वरूप में धन खींचने वाली पोटली स्वरूप में जाना जाता है जो व्यक्ति अपनी तिजोरी में रख देता है उसके भाग्य प्रबल हो जाते हैं और उसके जीवन में कोई रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा का निदान नहीं होता पिछले साल की अगर धन पोटली आपने धनिए के स्वरूप में रख रखी है तो उसे गमले में डाल दीजिए उसके स्थान पर अब आप नई धन पोटली रखें चाहें तो इसमें कुछ पैसे इत्यादि भी रख लेते हैं तो आप देखिए चमत्कार कैसा होता है खुली आंखों से चमत्कार होता है हर एक आपने यूट्यूब में भी देख रखा होगा सभी बता रहे हैं कि धन पोटली कैसे बनाई जाती है कमेंट्स में लिंक है आप देखिए उसमें पूरा विस्तृत वीडियो बनाया जाता है बताया गया है आप इस तरह से यह धनी का कार्य कर सकते हैं हमेशा जो माँ लक्ष्मी को आपने धनिया समर्पित किया है उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना चाहिए घर के गमले में डालना चाहिए इसे कभी भी घर से बाहर नहीं जाने देता है इस तरह से आपको इसे अपने घर की तिजोरी में रखना है साल भर आपको उसे उठाना नहीं है जहाँ है जैसा है जिस स्वरूप में है उस स्वरूप में आपको अपनी तिजोरी में इसे हमेशा के लिए रख कर रखना है ऐसी मान्यता है माता लक्ष्मी इससे यह माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई चीजें हैं अगर आप इसे अपनी तिजोरी में रख लेते हैं सदा सर्वदा के लिए मा लक्ष्मी जिस घर में आपने देखा होगा आपको जो प्रिय चीजें होती है आप वही चीजें खींची चली जाते हैं उसी स्थान पर जहाँ अच्छी साड़ी मिलती है उसी स्थान पर जाते हैं तो आपकी प्रिय अर्थात माँ लक्ष्मी की प्रिय वस्तु आपकी तिजोरी में है तो यकीन मानिए माता लक्ष्मी स्वतः ही उस घर में आएंगी पैसा गलत जगह खर्च नहीं होगा और अन्न धन के भंडार भर जाएंगे इस तरह से यह जानकारी थी वीडियो उपयोगी रही हो तो लाइक करें शेयर करें कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर से लिखिएगा